आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। यह है निकोलस टेस्ला का एक नियम। निकोलस टेस्ला कहते हैं कि एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस क्या होता है, एनर्जी कैसे बढ़ती है, इस पे बहुत बड़ा उन्होंने डिटेल लिखा है। एनर्जी तब बढ़ती है जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, और फ्रिक्वेंसी तब बढ़ती है जब आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, और वाइब्रेशंस तब बढ़ता है जब आप अपने इमोशंस को बढ़ाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इमोशंस और वाइब्रेशंस होता क्या है? इमोशंस जो आपका कनेक्टेड है आपके वाइब्रेशन से, यही सिस्टम काम करता है। प्रश्न उठता है कि इमोशंस बढ़ता कैसे है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इमोशंस आपके भाव से बढ़ता है, यानी कि एनर्जी का मोशन। आपका एनर्जी तब बढ़ता है जब आप अपने ऐसे चीज़ों को करते हैं, यानी कि थॉट वर्सेस फीलिंग्स। तो फीलिंग जो आपकी आती है वही आपके इमोशंस को बढ़ाती है। अब फीलिंग्स आती कैसी है? जब आप एक हार्ट टचिट, अपने दिल को छू जाने वाले विचारों का पर काम करते हैं, तभी आपकी एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी तब बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और आपके वाइब्रेशंस में इजाफा होगा। और सारा गेम वाइब्रेशंस का है, आपके इमोशंस का ही है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।